वो भाग गई। हम गिलहरी जो खा रही थी, ये सामने एसपी साहब का बंगला है और अभी हाल में जहाँ बंदर ख़त्म हुआ था वो अंदर उसको गाड़ने को इजाज़त मिल गई, अंदर गाड़ दिया। अब ये दीवार पर अभी हमने कैमरा निकालने के पहले इधर ये रेलवे का रेलवे इंजीनियर जो होते हैं ये उनका बंगला है, यहीं गिलहरी खा रही थी। तो हमने जब तक कैमरा निकाले तब तक वो भाग गई। और देखने वाली सीन थी, ये देखिए छोटी सी नन्ही सी गिलहरी, ये देखिए वही दीवारों पर देखिए कैसा बैठ के खा रही है। आपको हम क्लोजअप बनाते हैं, देखिए ये देखिए देखिए दीवारों में जो बंदर खाता है ना तो कुछ बच जाता है दो चार दाने, वही देखिए गिलहरी बैठ के खा रही है। ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए ये देखिए, एक साथ कितने काम हो जाते हैं। तो अब हमारा कहना है, कल रात में इटली से दलजीत सिंह ने भी पैसा भेजा तो हमने कहा ये पीएल मैडम पीएल प्रेमलता जी का नाम शॉर्ट में रख दिया भाई, नाराज़ होती ना हो जाए कहीं भाई, हमको लगता है उन्हीं की माया है सब। एक भी जितना पंजाब के सरदार लोग ही हमारी क्यों मदद कर रहे हैं भाई, हैं जो हैं एक समझिए जो भी हैं। तो हमने कहा कि हमको लगता है ये पंजाब वाले हमको ख़रीद लेंगे क्या। तो एसपी साहब का बंगला है, आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं। अब ये गिलहरी है भी, बंदर कहीं और आगे हैं, उनको अभी देखेंगे ढूँढेंगे। तो हमारा बंदर भोज होगा। तो अब अभी एक दो दिन में, इस समय हम पेड़ पौधों में फुलवाड़ी में लगे हुए हैं, अब एक नौकर से परमानेंट बात कर लेंगे। तो जो हमारे यहाँ जो भाई कोई जानवर की खबर आती है, मैं नहीं जा पाता हूँ अकेले आदमी, एक गाय मेरे घर में काली काली बंधी, हमारे मरने भर के लिए वही बहुत है। हमारी भाई उम्र तो देखिए, हमको सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो हनुमान जी ने इसी कृपा किया, और जिन लोगों ने हमारे ऊपर कृपा की है, जिन लोगों हम जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, वो छः महीने के अंदर उसका रिजल्ट देख लेंगे। क्यों, हम रायवली में एक नहीं, हम दर्जनों सरदार लोगों का आपको मोबाइल नंबर दे सकते हैं, पता दे सकते हैं, आप उनसे बात कर लो। देखो तो आपकी एक महानता है कि आप कभी आए नहीं मेरे दरवाजे और आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हो। तो हमारी मदद से हमारा काम आगे बढ़ गया, हमको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, जो मैंने बता दिया है हमको। अब जो खाना मैं बाबा आदमी साग सब्जी खाता हूँ भगवान ने दे रखा है, पहनने के लिए जो दो कपड़े हैं वो भी दे रखा है, हैं तो कोई दे देता है। तो अब ये मदद से और भी जानवरों की सेवा, और एक काम करेंगे, अब चने खरीदेंगे एक बोरे पूरे, भाई पैसा आ गया तो अब सब कामें होगा। अब एक बोरा चना है, अब उसी में हमारे जितने लोग हमसे हमारी मदद को आ रहे हैं, हमारे राजस्थान के ये क्या नाम नितिन फूलवानी और सिंध समाज के हैं, और हमारे अवस्थी जी जो हैं रितेश अवस्थी दुबई से हैं, और आपके दलजीत सिंह ने अभी कल नंबर बताया है, पैसा भेज दिया है। उसके पहले हमको पीएल मैडम ने हमारी भारी मदद किया। तो मतलब इस हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये ना कोई उंगली उठा सके बुढ़ापे में, अरे बाबा को इतना भेजा पता नहीं बाबा ने क्या किया, नहीं मैं चना खरीदूंगा तो मैं दिखाऊंगा वीडियो में, मैं भिगाऊंगा रोज निकालूंगा, हमारा काम भी थोड़ा बढ़ जा गया है, लेकिन चलिए सेवा का काम है। तो एक एक चीज़ की मैं वीडियो बनाऊँगा, आँखों से देखो दुनिया वालों समझो, और दुनिया वालों ये देखो कि बाबा का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है। और क्योंकि हम वीडियो बोलने लगते हैं, पीएल मैडम ने कई बार मना किया टोका, लेकिन हम करें तो क्या करें, हमको लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को दुनिया के दिमाग में हम डाल दें कि अरे दुनिया वालों धर्म क्या है, मानवता क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुमको भगवान ने क्यों भेजा है, ये पहले बताओ क्यों भेजा है यहाँ पर। तो मैं कैमरे को रख रहा हूँ, मैं बंदर अभी बंदरों को ढूंढूंगा। देखिए मैं बंदर कहने जा रहा था तो पीएल मैडम की बात याद आ गई, तो धीरे धीरे अरे भाई वो प्रिंसिपल ठहरी तो अच्छी बात बताती हैं, अच्छी बात को सीखना चाहिए। एक बंदर हमको दूर पर दिख रहा है तो मैं वहीं चल रहा हूँ, देखूँगा अभी ढूँढ डाल के मैं फिर कैमरे में बनाऊँगा। जय श्री राम।